पर करते हैं, किस एरिया पे करते हैं? जी मैं पेशे से एक डायरेक्टर हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट में मैं डायरेक्टर हूँ। और मैं निश्चित तौर से स्किल डेवलपमेंट पे, जो आप कश्मीर से हैं और स्किल डेवलपमेंट पे मैं जरूर बात करना चाहूंगा जो कश्मीर के लोग आते हैं, कि क्या योजनाएं हैं, किन योजनाओं में, आपको मुद्दा देता हूं कि क्या योजनाएं हैं, किन योजनाओं में इनरोलमेंट हो सकता है वहां पर और आगे बढ़ सकते हैं हम, स्टार्टअप्स हैं या जो नई योजनाएं हैं, किस तरह की संभावनाएं पैदा कर रहा है, हम इस पर बात करना चाहेंगे आपसे। आप एक दो दिन का वक्त लीजिए और उसके बाद आइए, या कल आइए, जब भी आइए, आपका विषय मैं जरूर बात करना चाहूंगा। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक। कहाँ से आना हुआ आपका? बिहार से। बिहार में कहाँ से? बिहार में गोपालगंज। तो इतना सोचती कहे हैं आप उसमें, और गोपालगंज बताने में भी आपको इतना देर वो लग रहा, थावे से ना, थावे के मंदिर ना, इतना सोचा जाता है कहीं, कहिए ना गोपालगंज से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को वहीं से जोड़ता हूं जहां से मैंने छोड़ा था। रोली तिवारी बोल रही थी, एंड देन जमुम जी, एंड देन बीजेपी लोहसा जी। प्रतीक जी, बहुत बड़ी बात मैं यहाँ कहने जा रही हूँ। कल मैं पंजाब के मुख्यमंत्री जी को सुन रही थी, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को हैवर्ड बोल रहे थे, तो मुझे लगा कि कहीं आबकारी नीति का प्रयोग वहाँ तो नहीं चला गया। मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगी, मैं किसी न बीजेपी की प्रवक्ता हूँ न आम आदमी की, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो व्यक्ति शिक्षा के लिए जाना जाता है वो कभी शराब के लिए ना जाना जाए, तो ये बहुत ही गलत मैसेज जनता में भी गया है। और दूसरी बात, जिस तरह से उड़ता पंजाब है, पंजाब के आप हालात देख रहे हैं, किस तरीके से कब्जे किए जा रहे हैं, किस तरह से उंगलियां काटी जा रही है, कुछ एक वीडियोज आए थे। मैं नहीं चाहती, दिल्ली बच्चे अपनी आशाएं लेकर के आते हैं, आप बिहार से हैं, ऑल ओवर इंडिया से जितने भी स्टेट्स हैं, जब भारत में आते हैं, दिल्ली राजधानी में आते हैं, बच्चे आईएएस आईपीएस बनने आते हैं, बच्चे अधिकारी बनने आते हैं, बच्चे कंपटीशन के लिए आते हैं, गरीब माँ बाप अपने एक एक रोटी जोड़ जोड़ के बचा बचा के अपने बच्चों को दिल्ली भेजते हैं। तो दिल्ली में अगर एक के साथ एक पौवा फ्री मिलेगा तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ना युवाओं का, युवा भी खराब होंगे, इसके साथ ही साथ पूरा दिल्ली वातावरण खराब होगा। जरूर। एक देखिए, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, कहाँ से आना हुआ आपका? उत्तराखंड। उत्तराखंड से। क्या नाम है आपका? प्रीति। प्लीज प्लीज बाबू, हैं? क्या नाम है आपका? दिगंबर कुमार है, मेरे 52 साल की एज है। 52 साल की एज है, 52 और इंतजार करो, 104 में पूछेंगे आपसे। गजब है, गजब है। तुमसे ज्यादा देर से वो आई है वहाँ पे, और अगर इतना धैर्य नहीं तो मेरा शो आपके लिए नहीं बना है। जी खड़े रहिए, मैं आऊंगा आपके पास। दुनिया में ऐसा कौन आदमी है जिसका पोता खो गया हो? 2.5 घंटे से आके बैठा हुआ है आदमी, अगर आपको नहीं इतना सब्र है तो चले जाइए, बैठिए ना, मैं आऊंगा। कहाँ से आना हुआ आपका? काशीपुर से। काशीपुर से। मैं डांटता नहीं हूँ, कहता ही नहीं डांटता, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि सब्र रखो, मैं आऊंगा। प्रोग्राम या तो 2.5 घंटे का कर लें बाबूजी। आ गया, तुम तो मेरे भाई हो। आवाज ही सबकी ऐसी है, आवाज ही आपकी। हाँ, आदमी खराब हूँ ना? नहीं नहीं, प्यार से भी बोलते हैं तो लगता है डांटते हैं, प्यार से भी बोलते हो तो लगता है डांटते हैं, आदमी खराब हूँ मैं। तो क्या काम करती हैं आप? मैं यहाँ एमटीएनएल में एज ए वेंडर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और मैं देख रहा था आपको लगभग 1.25 घंटे से आप ऐसे चुपचाप खड़ी थी, कुछ कहना चाहती है? मेरे पापा आपको बहुत देखते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूजी नाराज है, रुको रखो मोबाइल अंदर रखो, वीडियो नहीं बनेगी। हाँ जी, मैं 52 साल की एज का हूँ। सुनो, मेरे उसमें इलेक्ट्रॉनिक जॉब करता हूँ, तुम्हारा उसमें एफएनडी ब्रांच फंडा म्यूजिक में, फंडा म्यूजिक जिसमें 2 महीने की तनख्वाह नहीं थी मेरी। कहाँ से कहाँ पे? फंडा म्यूजिक नोएडा में। अच्छा, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है? नहीं नहीं सर, मैं इलेक्ट्रॉनिक में, फंडा म्यूजिक जो होम थिएटर एलईडी वगैरह बनाती है, ऐसी किसी कंपनी में। आप कहते हैं 52 साल के जो हम आपको नहीं रखेंगे, ये हाल है। मोदी से पूछो हम कहाँ नौकरी करें। ऐसे कोई कंपनी कैसे कह सकती है कि 52 साल के हो गए तो तुम जाओ घर? और अगर ये कह रही है तो। हाँ जी, कहाँ से? रुको, मैं फंडा म्यूजिक मुकेश बंसल का नाम है। हाँ, प्राइवेट एजेंसी है। और ये किसी आदमी को ऐसे स्थिति में ले जाके छोड़ना जब वो 52 साल का उम्र में हो तो अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे नीति नहीं मालूम उस कंपनी की, उसके डिसीजंस नहीं मालूम, इसलिए मैं बोल नहीं पाऊंगा। पाजी कहाँ से आना हुआ आपका? लखीमपुर खीरी यू। लखीमपुर खीरू सीतापुर, और उसके बगल में हरदोई, हरदोई के बाद सीतापुर, सीतापुर के बाद लखीमपुर, दुधुआ, बहराइच, पलिया, ठीक है ना बाबू जी? अरे रुको, ब्राह्मण देवता शराब पीते हो फिर कहते हो ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण केजरीवाल की नीति शराब पी गया तुम ना, आज तुमने सारे लोगों को गाली खिलवाई है। चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो, शराब पी के आयो, कह रहे ब्राह्मण ब्राह्मण है।
चाय पी कर आओ मोटे निकालो, ये नीति खराब, तुम चाप खड़े रहो, नीति खराब है तो तुम शराब क्यों पीते हो? कौन फिल्म दे रहे हो आप? तो फिल्म ही देखे तुम तो जहर मिल रहा है तो जहर खा लोगे? पी लूंगा मैं। कैसा बेवकूफ आदमी है ये, क्या नाम है बेटा? बेटा तुम क्या कहोगे और क्या देखना, कुछ नहीं बस कहना हो जो कह लो, मैं तो बस रो ही रहा हूँ, कहना कुछ नहीं, बोलो देखना नहीं, कह लो तू, ब्राह्मण है हम और छह बोतल पी के आए हैं कह रहे हैं, ये तो हैं? तुमने तुमने शराब नहीं पी, तुमने धतूरा खाया, धतूरा।